बीच में बैठे हैं, मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बता के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारण उनके